हेलो एंड वेलकम आर 9 टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। फिल्म पद्मावत के बाद दीपिका पादुकोण फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आई थी, या यूं कहें शादी के बाद दीपिका का अभी तक कोई भी फिल्म बॉलीवुड में रिलीज नहीं हुआ है। पर दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है कि बहुत जल्द, या यूं कहें 10 जनवरी को दीपिका पादुकोण बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने को तैयार है अपनी फिल्म छपाक के साथ। दीपिका की अपकमिंग फिल्म छपाक का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म का जब पोस्टर सामने आया था तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिला था, क्योंकि फिल्म के पोस्टर में दीपिका बेहद ही डिफरेंट और अलग अवतार में नजर आई थी। आपको बता दें कि फिल्म छपाक एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर बेस्ड है और लक्ष्मी अग्रवाल की भूमिका में दीपिका जबरदस्त लुक में नजर आ रही है। ट्रेलर की शुरुआत एक प्रोटेस्ट से होती है, जिसके बाद एक डायलॉग आता है, निर्भया केस के बाद मालती की कहानी को लोगों तक पहुंचाना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, और फिर सुनाई देती है दीपिका पादुकोण की चीख। दीपिका पादुकोण ने एक बार फिर अपनी दमदार एक्टिंग से दिल जीत लिया है। दीपिका ने साबित कर दिया है कि वो बेस्ट एक्ट्रेस है। हॉस्पिटल में जब दीपिका के ऊपर पानी डाला जाता है और जिस तरह से दीपिका चीखती है वो सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि कैसे एसिड अटैक होने के बाद मालती यानी कि दीपिका पादुकोण आगे की जंग लड़ती है और इस लड़ाई में उनका साथ देता है विक्रांत, जो रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं। और ट्रेलर देखने के बाद लोगों ने पहले ही ये कह दिया कि ये एक और दीपिका पादुकोण की हिट फिल्म साबित हो सकती है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और ट्रेलर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर फिल्म बेस्ड है और ऐसे में दीपिका पादुकोण ने लक्ष्मी अग्रवाल के किरदार में ढलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है। उनके मेकअप के लिए 4 घंटे का टाइम लगता था। 4 घंटे के मेकओवर के बाद दीपिका इस रोल में नजर आई और दीपिका ने इस फिल्म में बहुत ज्यादा मेहनत की है। वैसे भी दीपिका जब जब फिल्मी पर्दे पर नजर आती है उनका एक अलग ही अवतार देखने को मिलता है। और एक बार फिर से दीपिका पादुकोण की ये फिल्म छपाक सुपर सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि फैंस को फिल्म का ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और फिल्म की कहानी बहुत अलग है। और फिल्म वैसे भी बायोपिक फिल्म है और बायोपिक फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, और ऐसे में दीपिका की ये फिल्म नो डाउट सुपर सक्सेस होने वाली है। आपको फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा, फिल्म में दीपिका का रोल कैसा लगा, वो आप जरूर कॉमेंट करके बताए।